हेलो एवरीवन, आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे ऐसी मैं कामना करती हूँ। और चलिए इसके साथ आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के ह्यूमर सेक्शन यानी यूनिट टू का थर्ड लेसन यानी रीडिंग सी। और इस लेसन का नाम है अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर। So this is a comedic depiction of how the writer's family performed everyday activities, right? Uncle Podger places a painting on the wall according to the story. The entire house is thrown into a chaos throughout this activity. यहाँ पे जो हम लेसन रीड करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट अंकल पॉजर। वो एक एक्टिविटी को करना चाहते हैं एंड ही थॉट दैट ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन फॉर दैट जॉब, राइट, कि उस पिक्चर को हैंग करना है। और किस तरीके से वे पूरे घर को मेस कर देते हैं हम इस स्टोरी में या इस लेसन में जानेंगे। एक्चुअली यहाँ जो मिस्टर पॉजर हैं, ही फेल्ट एश्योर्ड बिलीविंग दैट ही वॉज द फाइनेस्ट पर्सन फॉर दैट जॉब, राइट। अंकल पॉजर जस्ट मैनेज टू हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, राइट, डिसऑर्डर्ड एंड अनस्टेबल अराउंड मिडनाइट, राइट। आफ्टर फ्यू माइनर एक्सीडेंट्स फाइनली ही डिड द जॉब और वी कैन से ही कम्प्लीटेड हिज जॉब, राइट। तो यहाँ पे ऑथर बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जब अंकल पॉजर ने, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ये सोचते हैं कि ही इज़ द फाइनेस्ट पर्सन हु इज़ गुड फॉर द हिज जॉब, राइट, कि वो उस जॉब के लिए, जो जॉब है कि एक वॉल पेंटिंग है उसे उनको वॉल पे हैंग करना, राइट, और उसके लिए वो फाइनेस्ट पर्सन है। इवन वो ये भी कहते हैं कि मैं अकेला ही इस चीज़ को कर सकता हूँ, आई कैन ओनली डू इट, नो वरी अबाउट इट, यू ऑल मीन्स ये सारे फैमिली मेम्बर्स को कहते हैं, देर आर 6 to 7 मेम्बर्स इन दैट फैमिली इंक्लूडिंग द मेड, राइट। तो उन सबको मिलाकर कहते हैं कि यू ऑल डोंट वरी अबाउट इट, आई विल मैनेज इट एंड आई विल सेटल इट डाउन। कहने का मतलब ये है कि मैं उसे हैंग कर दूंगा, ये काम मेरे चुटकियों का है। अगर आप इस स्टोरी को आगे रीड करेंगे देन यू विल फाउंड दैट आफ्टर अनस्टेबल वर्क, आफ्टर एन अनस्टेबल वर्क, सो मेनी डिफिकल्टीज एंड इंजरीज, फाइनली ही कम्प्लीटेड वर्क, ठीक है। वहाँ पे उनको कई बार कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उसके बाद बहुत सारी चोटें भी लगती हैं और उसके बाद वो फाइनली क्या करते हैं, उस जो पिक्चर है उसको हैंग करते हैं। बट When you go through the chapter, you will came to know that कि ये जो picture finally hang होती है, क्या वो accurate होती है या बहुत सारे clumsiness के साथ आती है, हम इस chapter में आगे read करेंगे और इस chapter को समझने की कोशिश करेंगे। Actually यहाँ पर जो बात ये है कि Uncle Podger want to please each and every person of the family, right? With the help of his work, he wants to show that कि वो कितने finest way में काम करते हैं, right? And of course, he also demonstrate that he is charming, wonderful, an individual who is nonetheless useless. और वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो एक ऐसे family के person हैं कि वो useless नहीं है, right? वो एक ऐसे family के person हैं जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत ही क्लम्जी वे में जो है एक पिक्चर को हैंग किया है। बट दिस इज़ द लेसन और स्टोरी कैन से विच हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमर इन इट। मतलब इस स्टोरी को अगर आप रीड करेंगे एंड जब उसको पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड अ ग्रेट ह्यूमर इन इट और आप शायद हंसते हंसते लोटपोट भी हो जाएंगे, क्योंकि एक छोटे से काम को इंसान कितना क्लम्जी, कितना मैसी बना देता है, राइट। अगर वो ईजीली किसी और व्यक्ति को दे दे जो उस काम को करने में निपुण है, आई मीन आई वॉन्ट टू से द पर्सन हु इज़ गुड इन दैट जॉब, राइट, अगर उसको दे दे तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़
नो वन इज इन द फैमिली दैट इज यूजलेस. ठीक है, एक ब्लैक शिप वाली बात हमने की थी अर्लियर चैप्टर्स में भी. ब्लैक शिप जो होता है कि ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, जो अंकल पॉजर खुद को समझ रहे हैं, और ब्लैक शिप का मीनिंग होता है अ पर्सन अ फैमिली मेम्बर जिसको फैमिली जो है यूजलेस समझती हैं, राइट. तो यहाँ पे शायद अंकल पॉजर अपने आप को ब्लैक शिप समझने लग गए थे, इसलिए अपने आप को यूजफुल फैमिली मेम्बर बताने के लिए वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और साथ ही साथ अपनी फैमिली में एक ग्रेटनेस, एक ग्रेट चाओस जो सीन में आप देख सकते हैं परफॉर्म करते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. बिफोर बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, लेट्स फर्स्ट नो अबाउट द ऑथर और टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर. सो हियर इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर ऑन योर स्क्रीन, राइट. ओके, सो दिस स्टोरी इज बेसिकली रिटन बाय जोमी के, एंड ही वॉज एन इंग्लिश राइटर. He wrote many humorous books, right? And after his wedding, he spent his few time with his wife rowing on the Thames. Rowing on the Thames मतलब उन्होंने कई जो कुछ समय था अपना वो किसी बोट पर काटा था, right? And this thing or this only inspired him to write his most successful book, जिसका नाम था Three Men in the Boat. And this is a part of that book, or this maybe you can say that this is also a scene of the book. Chaliye, we'll go through the lesson or chapter, and hum ye janne ki koshish karenge ki Uncle Podger chahte kya the actually, what he want, right? So yahan pe aap dekhenge ki in this chapter you will find out ki wood ka use bahut hua hai. राइट, अब वुड का यूज़ कब और कहाँ करते हैं हम ये चैप्टर के एंड में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज करेंगे. पहले हम एक काम करते हैं, इस चैप्टर को रीड करते हैं, और उसके बाद हम सेक्शंस में उसकी जो रीडिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं. आइए देखते हैं इसके रीडिंग सेक्शन में इसके कुछ भाग को, और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे. यूनिट 2, ह्यूमर. Reading C. Uncle Podger hangs a picture. A new picture would have come and be standing in the dining room waiting to be put up, and Aunt Podger would ask what was to be done with it, and Uncle Podger would say, "Oh, you leave that to me. Don't you? Any of you worry yourselves about that. I'll do that." And then he would take off his coat and begin. He would send the maid out for 6 penny worth of nails, and then one of the boys after her to tell her what size to get. And from that, he would gradually work down and start the whole house. "Now you go and get me my hammer, Will," he would shout. "And you bring me the rule, Tom, and I shall want the step ladder. And I had better have a kitchen chair too. And Jim, you run round to Mr. Goggles and tell him Daddy's best wishes and hopes his leg is better. And will he let him have his spirit level for the evening? And don't you go, Maria, because I shall want somebody to hold the light. And when the maid comes back, she must go out again for a bit of picture cord. And Tom, where's Tom? Tom, you come here. I shall want you to hand me up the picture." So, as you came to know during the reading section, ki there was a picture that would have come, right? And it is kept in the dining room. ठीक है, आपने जाना कि एक पिक्चर है, न्यू पिक्चर आई हुई है जो कि कहीं से आई है, उसको डाइनिंग रूम में रखा गया है, राइट. और वो वेट कर रही है, द पिक्चर इज वेटिंग कि कोई ना कोई आए और उसको क्या करे, वॉल पर हैंग कर दे, राइट. एंड यहाँ पे एक बात आती है कि आंट पॉजर वुड आस्क व्हाट वाज टू डन विद इट, क्योंकि अंकल पॉजर ने अभी तक वो पिक्चर को अभी तक सेटल डाउन नहीं कराया है या कहीं पर नहीं लगवाया. ऑफ कोर्स आप अपने घरों में जैसे देखते होंगे कि कोई नई चीज़ आती है और वो सेटल नहीं होती हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी मम्मी फादर से आपसे पूछते होंगे, या अगर आप
का वो काम है। तो आपसे भी पूछते होंगे कि ये कब तक हो जाएगा, आप ये कब तक करके रख देंगे, या मेरे लिए कब तक ये आप काम कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप आए घर के अंदर, एंट्री किया, अपने जूते जो है वो सही जगह पर नहीं उतारे, मान लिया सोफे के पास उतारते हुए अपने बैठे और सॉक्स को आपने वहीं रख दिया, कुछ देर तो आपकी मामा का वेट करेंगे, नहीं इट विल बी सेटल डाउन, इट विल बी केप्ट इट प्रॉपरली, बट लेटर ऑन अगर वो फाइंड आउट करती हैं कि नहीं एक अच्छा खासा ड्यूरेशन निकल गया है, देन ऑल्सो द थिंग्स आर नॉट इन इट्स प्लेस। तो वहाँ पे एक कमेंट अक्सर आप सुनने को करते हैं कि इनके साथ क्या करना है और वॉट वॉज टू बी डन विथ इट, राइट? क्योंकि एक ह्यूमरस क्वेश्चन है, उनको भी पता है कि जूतों को सही जगह पर रखना है, बट हु विल डू इट, हुज वर्क इज इट, राइट? तो यहाँ ये बात होती। वैसे ही आंट पॉजर ने क्या किया, अंकल पॉजर से पूछा कि वॉट वॉज टू बी डन विथ इट, राइट? यहाँ पे अंकल पॉजर कहते हैं, ओह यू लीव इट टू मी, आई विल हैंड इट, डोंट वरी, आई विल परफेक्टली टेक केयर ऑफ इट और आई विल फिगर आउट समथिंग फॉर इट, मैं इसके लिए कुछ देखता हूँ। एंड ही ऑल्सो एडेड ऑन कि यू डोंट वरी, आई विल मैनेज इट। और उसमें क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बाय सेइंग दीज लाइन ही जस्ट रिमूव हिज कोट। ओके, यहाँ पे आप एक वर्ड देखते हैं, टेक ऑफ इज कोट, टेक ऑफ का मीनिंग होता है रिमूव, वो अपने कोट को उतारते हैं, राइट? वो अपने कोट को उतारते हैं एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग द चाओस और मेस। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द मेस, राइट? वॉट हैपन इन द हाउस, यहाँ से वो मेस स्टार्ट होगा। ओके, सबसे पहले वो क्या करते हैं, ही सेंड द मेड to bring some nails, right? अभी उन्होंने क्या किया, एक maid है, लड़की है, उनको क्या कहते हैं, go and bring some nails. Now after her, he sent a boy, कि उस nail का length क्या होना चाहिए, उसके nail के measurement क्या होना चाहिए, वो size क्या होनी चाहिए, right? और उसके बाद वो ग्रेजुअली अपना वर्क स्टार्ट करते हैं और पूरा का पूरा घर जो है एक मेसी स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे एक ग्रेट चाओस क्रिएट हो जाता है। अब ये चाओस में वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ, मेस यूज़ कर रही हूँ, मेस का मतलब होता है फैलाव होना या बिखर जाना या चीज़ों का अस्त व्यस्त होना, राइट? एंड चाओस का मीनिंग होता है कि एक बहुत प्रकार की उधम की जो बात की जाती है ना, जहाँ धमाल मच जाता है, ना चाहते हुए भी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि क्लम्जी फील होने लगता है कि बापरे कितना ज़्यादा काम बढ़ गया, एक छोटा सा काम जो था वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, लाइक दैट वे दिस वर्क इज़ गोइंग टू बी डन। नाउ यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है और यहाँ से जो है मेसीनेस स्टार्ट होती है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ होती है, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगेन अंकल पॉजर आस्क्ड टू ब्रिंग हैमर एंड दिस ही सेट टू विल। विल नाम का एक लड़का है जिसे वो कहते हैं गो एंड ब्रिंग हैमर, राइट? एंड वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, साथ ही वो ज़ोर से इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि ही वॉन्ट टू एड ऑन, राइट? कि ब्रिंग रूल अलॉन्ग विथ इट, ठीक है? कि आप क्या लेने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू टेक हैमर, राइट? क्योंकि पहले उन्होंने हैमर का ऑर्डर दिया था। जैसे ही बच्चे ने सुना, उस विल ने सुना, ही लेफ्ट द प्लेस एंड ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग दैट हैमर, लेकिन अब शायद वो थोड़ा दूर है, इसलिए ही शाउटेड, हु ही मीन्स अंकल पॉजर, वो शाउट करते हैं एंड ही वॉन्ट्स टू से दैट कि अलॉन्ग विथ दैट हैमर ब्रिंग द रूल। तो यहाँ पे वो ये चीज़ विल को नहीं कहते, शायद विल वहाँ से जा चुके थे, तो वो टॉम के कह देते हैं, टॉम को कह देते हैं कि टॉम आप क्या कर लीजिए, आप उस रूल को लेके आ जाइए, राइट? ओके, वहाँ पे कुछ चीज़ें वो ऐड करते हैं कि इस पिक्चर को हैंग करने के लिए आई वॉन्ट सम स्टेप लेडर्स और साथ ही साथ वॉट आई वॉन्ट द किचन चेयर्स टू। तो वो इतनी सारी चीज़ों में क्या कर रहे हैं, सब को एंगेज कर रहे हैं, राइट? और यहाँ पे वो एक जिम नाम के बच्चे को कहते हैं, यू गो, कहाँ जाने के लिए बोलते हैं, यू गो
एंड मीट मिस्टर गोगल्स, राइट, वहाँ पे तुम जा कर के मिलो एंड टेल हिम कि डैडी ने आपको क्या बोला है, बेस्ट विशेस भेजे हैं एंड टेल हिम कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, राइट, ये कहते हैं. और इतने में आप देख रहे हैं, जब ये सीन आप अपने दिमाग में एज्यूम कर रहे होंगे तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे हर कोई कहीं ना कहीं इंगेज है, राइट. पहला वो फर्स्ट जो मेड थी, वो छोटी लड़की जो थी, उसको उन्होंने भेज दिया नेल्स लेने के लिए. उसके पीछे उन्होंने एक बच्चे को भेजा जो कि नेल की साइज़ बताने के लिए गया, राइट. वहाँ पे विल को उन्होंने कहा कि आप हैमर लेके आइए, राइट. इसके साथ साथ उन्होंने टॉम को कहा कि हैमर के साथ साथ मुझे रूल लगेगी. उसके बाद वो जिम को अगेन कहते हैं कि मुझे स्टेप लैडर भी लगेगी एंड विथ स्टेप लैडर आई नीड दैट किचन चेयर टू, मतलब इतनी सारी एसेसरीज और इतने सारे हेल्पिंग हैंड्स ही रिक्वायर्ड. बट देन ऑल्सो वॉट ही सेज एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क, ही टोल्ड एवरी वन दैट ऑल ऑफ यू डोंट वरी आई टेक केयर ऑफ इट, है ना, बताया था ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उन सबको वरीज भी करनी पड़ रही हैं एंड द पर्सन मीन्स अंकल पॉजर इज नॉट ओनली द पर्सन हु इज एंगेज इन दैट वर्क, द अदर पीपल आर ऑल्सो एंगेज इन द सेम वर्क, राइट. ओके, यहाँ पे अगेन बात होती है कि वो एक स्पिरिट लेवल की बात करते हैं. ही वॉन्ट्स दैट सम काइंड ऑफ स्पिरिट लेवल. स्पिरिट लेवल क्या होता है, शायद उनको रोशनी दिखाने के लिए या मेजरमेंट के लिए भी सम टाइम यूज होता है, उसकी उन्हें जरूरत थी. तो देन ही कॉल्ड मारिया, देन ही अगेन कॉल्ड टॉम, टॉम वेयर आर यू, वेयर आर यू, यू कम हियर, आई वॉन्ट योर हेल्प सो दैट यू कैन मतलब यू कैन होल्ड मी द पिक्चर. और वो कहना चाहते हैं यू कैन हैंड मी द पिक्चर, वो कहना चाहते हैं, इसलिए वो टॉम को बुलाते हैं. सो इन दिस सेक्शन यू फाइंड आउट कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत थी, राइट. फर्स्ट यू फाइंड आउट कि नेल की ज़रूरत थी, देन उसके बाद साइज़ के लिए एक बच्चे को केला भेजा गया, देन यू फाइंड आउट कि उनको स्पिरिट लेवल की ज़रूरत है, रूलर की ज़रूरत है, अगेन उनको एक स्टेप लैडर की ज़रूरत है एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आवर किचन चेयर एंड उसके बाद एक पर्सन चाहिए जो कि उस पिक्चर को हैंड करे. तो यहाँ तक आपने स्टोरी में ये जाना. हम आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो अंकल पॉजर को, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि रीडिंग सेक्शन सुनने के बाद, और वी कैन से आफ्टर लिसनिंग दिस रीडिंग सेक्शन. And then he would lift up the picture and drop it, and it would come out of the frame, and he would try to save the glass and cut himself, and then he would jump round the room looking for his handkerchief. He could not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off, and he did not know where he had put the coat. And all the house had to stop looking for all the other things he had asked for and start looking for his coat, while he would dance round and get in their way. Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? I never came across such people in all my life. Upon my word, I didn't. Six of you, and you can't find a coat that I put down not 5 minutes ago. Well, of all the... Then he would get up and find that he had been sitting on it and would call out, "Oh, you can give it up. I have found it myself now. I might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it." And when half an hour had been spent in tying something round his finger, and a new glass had been got, and the step ladder and the chair and the light had been brought, he would try again. The whole family, including the maid and the charwoman, standing round in a semicircle, ready to help. Okay, after the another part of the reading section, now the explanation is here in front of you all. आपने अभी तक देखा कि everyone is engaged in finding some things. Now the scene changes here. Okay, यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर जो टॉम है, सॉरी टॉम, उनको क्या करते हैं, उस पिक्चर को हैंड कर देते हैं, राइट. और यहाँ पे मिस्टर पॉजर
यहाँ पे अंकल पॉजर जो है उस पिक्चर को या उस फ्रेम को वी कैन से एडजस्ट करके सेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ही सेटिंग द पिक्चर एंड टेस्टिंग वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. वो चेक करना चाहते हैं कि जिस जगह पर वो पिक्चर लगी है द पिक्चर हैज़ बीन केप्ट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. राइट, यहाँ पे अंकल पॉजर जो है वो जज करना चाह रहे हैं. बट वॉट हैपेंड इमीजिएटली, राइट, द पिक्चर केम डाउन और फॉल डाउन वी कैन से द पिक्चर फॉल डाउन फ्रॉम द हैंड ऑफ अंकल पॉजर. ओ माई गॉड, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द मिस. राइट, द पिक्चर फॉल डाउन फ्रॉम द हैंड ऑफ द अंकल पॉजर. राइट, अब यहाँ पे एंड द पिक्चर केम आउट फ्रॉम द फ्रेम. हाउ? क्योंकि जो उसका ग्लास था इट हैज़ बीन ब्रोकन. नाउ अंकल पॉजर गेट डाउन एंड ही वॉन्टेड टू अगेन सेटल द थिंग्स, सो ही टच द फ्रेम. एंड एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही उसका जो ग्लास है इट वॉज ब्रोकन, तो इस वजह से अंकल पॉजर हर्ट हिमसेल्फ. राइट, उनका जो एक हाथ था उसकी शायद कुछ उंगलियों में कट लग गया था, सो ही हैज़ अ कट ऑन हिज हैंड. राइट, सो यहाँ पे जो बात होती है, नाउ द मिस स्टार्ट्स. नाउ व्हेन ही सॉ दैट देयर इज अ कट इन हिज हैंड, ही जस्ट स्टार्टेड डांसिंग एंड स्टार्टेड सर्चिंग ऑफ समथिंग. नाउ व्हाट इज द थिंग? द थिंग इज the handkerchief of Uncle Potter. And everyone left his work. सबने अपना काम छोड़ दिया. कौन ruler लेने गया था, कौन spirit lamp लेने गया था, सबने everyone left his job. They started searching the रुमाल और handkerchief हम कह सकते हैं. Right, everyone has been engaged in that kind of work. Okay, now nobody is able to find that handkerchief. Why? Because that handkerchief was kept inside the pocket of that coat where the coat has been kept by Uncle Podger on the chair. Right? Uncle Podger ने अपना coat जो है उसको sofa या chair पर जहाँ पर भी रखा था उसी coat के pocket में जो है pocket के अंदर था. क्या था वो? handkerchief था. But nobody was knowing that the handkerchief was kept inside the pocket. So everybody was searching here and there. They were looking for the handkerchief. Right? यहाँ पे जो a mess start हुआ है. Again, he was dancing here and there. He was wandering for the handkerchief and he is creating a great mess. यहाँ पे जो है अंकल पॉजर was so angry and he says, I have never seen such kind of people in all my life. You all are useless. You all don't know where is my handkerchief. See, he is blaming others, right? वो सबको blame कर रहे हैं कि आप लोग सब बेकार हो, मैंने अपने जीवन में आपके जैसे व्यक्ति नहीं देखे. Because आप लोग इतने सारे हो and you all people don't know where is my handkerchief, right? क्या आप में से किसी ने भी जो है मेरे हैंकरचीफ या मेरे कोट को नहीं देखा है? नाउ ओके, व्हेन ही वाज सर्चिंग फॉर द हैंकरचीफ, राइट, वहाँ पे देन ही रिमेंबर दैट इट वाज इन द कोट. राइट, ठीक है. अब व्हाइल ड्यूरिंग द पैनिक, व्हेन ही वाज पैनिक, ही जस्ट सैट ऑन द सोफा over the coat. वो अपने coat के ऊपर बैठ गए. Now he was searching for coat because now he remember that his handkerchief was inside the pocket of the coat. Now he is saying that आप लोगों ने किसी ने भी मेरे coat को नहीं देखा. Doesn't anybody in the whole house know where is my coat? Right. So यहाँ पे how could other know? Right. Actually the person is still sitting over the coat and he is asking for the coat. So it is not possible for others to look after the coat and everybody was just surprised ki where the coat has gone. Or hum keh sakte hain ki coat aakhir gaya to gaya kahan, right? So everybody, every person in the family was question mark ki bhai where is the coat. They were not able to find the coat. Okay.
Now, here the story says again, by moving forward into the story, we can find out that after some time, when Uncle Potter find out that he's sitting on his coat, then he got up and he found his coat and he says, you all people are useless. I trust on you. It is my bad luck. None of you are of a single use, because you are not aware or you are not knowing that where is my coat. See, this coat is here. He was showing to everyone. Now, he take out his handkerchief, he clean his wound there, and this takes around half an hour. Time was engaged in doing such kind of work, right? Still, you are knowing that still the picture is in its place, and the picture, the condition of picture or the condition of that frame is not at all good. You can find it, right? Yahan pe jo hai uska glass jo hai, you find it that the glass of the picture has been broken, right? So is wajah se kya ho raha hai, this scene has been created. You can find out. Okay, now half an hour the time has been lapsed in doing such kind of work. Everyone was trying to do the things accordingly as Uncle Potter said, and the wound has been now bandaged. Ab wound ko kya kar diya gaya, bandage kar diya gaya. Okay, as you know ki is pure kaam mein, right, half an hour ja chuka tha. Okay, so during that period kya hua, us frame ka again glass ko settle kar diya gaya, again frame mein glass laga diya gaya, and the frame was now ready to settled. Okay, ab yahan pe fir se chaos, naya chaos ready hone wala hai, naya messiness aane wala hai. Let's find it out kya hota hai ye. Now again jo uncle पॉजर है, ही आस फॉर द स्टेप लेडर. उनके पास स्टेप लेडर आती है, चेयर आता है, लाइट आता है, रूलर आता है, सब कुछ लाके उनको दे दिया जाता है. एंड एवरी पर्सन इंक्लूडिंग द मेड ऑफ दैट हाउस, ओके, दे स्टैंड इन अ सेमी सर्कल बिहाइंड द अंकल पॉजर, राइट. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ वॉल, और यहाँ पे अंकल पॉजर जो हैं, ही सेटलिंग द पिक्चर और ही इज़ ट्राइंग टू पुट द पिक्चर ऑन द वॉल. वो ट्राई कर रहे हैं टू पुट द पिक्चर ऑन द वॉल. और इन दिस केस आप उनके पीछे देख सकते हो कि उनकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, दे आर लुकिंग एट हिम कि फाइनली अंकल पॉजर ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. सो इन दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ऑल्सो अंकल पॉजर ने शायद अभी तक ये काम किया नहीं होगा, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अंकल पॉजर क्या प्रूव करना चाहते हैं, वॉट अंकल पॉजर वॉन्ट्स टू प्रूव. सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ थिंग्स. वो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, एक्चुअली वो सारे लोग जो हैं क्वेश्चनेबल हैं, या उनके चेहरे पे क्वेश्चन जैसा फीलिंग दिख रहा है, इमोशंस आ रहे हैं कि अंकल पॉजर करना क्या चाहते हैं और क्या एक्चुअली विल बी एबल टू डू दैट वर्क. सो अभी भी बात वहीं की वहीं है. आगे देखते हैं कि रीडिंग सेक्शन में लेसन में क्या कहते हैं, और उसके बाद उस लेसन को समझने की कोशिश करते हैं. Two people would have to hold the chair, and a third would help him to get up on it and hold him there, and a fourth would hand him a nail, and a fifth would give him the hammer, and he would take the nail in his hand and drop it. "There," he would say in an angry voice, "now the nail's gone," and we would all have to go down on our knees and look for it. While he would stand on the chair and want to know if he was to be kept there all the evening. The nail would be found at last, but by that time he would have lost the hammer. "Where's the hammer? What did I do with the hammer? Seven of you standing all round me, and you don't know what I did with the hammer?" We would find the hammer for him, and then he would have lost sight of the mark he had made on the wall.
where the nail was to go in, and each of us had to get up on the chair beside him and see if we could find it. And we would each discover it in a different place, and he would call us all fools one after another and tell us to get down. And he would take the rule and measure again and find what he wanted half of 31 3/8 inches from the corner, and would try to do it in his head and go mad.